बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, पेट्रोल डीजल के दाम बंद करो, बंद करो, गैस के दाम बंद करो, बंद करो, मोदी तेरी कालाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पेट्रोल डीजल के दाम बंद करो, बंद करो, पेट्रोल डीजल के दाम बंद करो, बंद करो, गैस के दाम बंद करो, दोस्तों नमस्कार, जेता न्यूज में आपका स्वागत है। औपचारिक रूप से बताना चाहूंगा कि मेरा नाम आईबी खान है और आप देख रहे हो जेतान का सबसे बड़ा जेतान न्यूज यूट्यूब चैनल। दरअसल आज देश में महंगाई की मार को लेकर जिला कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, जेतान इलाके के जननायक एवं पूर्व संसदीय सचिव श्री दिलीप चौधरी की अगुवाई में आप जो ये लोग देख रहे हो, जो प्रमुख लोग देख रहे हो, इनकी अगुवाई में आज महामहिम राष्ट्रपति के नाम जैतारण उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया गया। जैसा कि आप देख सकते हो कि अल सुबह से ही श्री चौधरी के निवास पर कांग्रेस के जो प्रमुख कार्यकर्ता है उन कार्यकर्ताओं की एक बैठक का भी आयोजन किया गया था और उसके बाद आज इस समय जो जैतारण उपखंड कार्यालय है, उपखंड कार्यालय के सामने भी आप प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मैं श्री चौधरी साहब से जानना चाहूँगा क्या हालात है और किस विषय को लेकर आपने आज ये ज्ञापन दिया। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी और माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के निर्देशानुसार आज जैतारण उपखंड मुख्यालय पर संपूर्ण जैतारण विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेसजनों के सानिध्य में आज देश में जिस रूप में कमर तोड़ महंगाई चरम सीमा पर है, आज पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, बेरोजगारी विकराल रूप ले चुकी है, आज हिंदुस्तान का किसान अपनी मांगों को लेकर पिछले एक साल से दिल्ली के सड़कों पर बैठा है, 600 और 700 के करीब किसान इस आंदोलन के दौरान शहीद हो गए। इन तमाम मुद्दों को लेकर आज कांग्रेसजनों ने यहां धरना प्रदर्शन किया और अपनी इन तमाम मांगों को लेकर महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम श्रीमान उपखंड अधिकारी जैतारण को हमने सभी कांग्रेसजनों ने मिलकर ज्ञापन दिया है। हमारी मांग है कि आज जिस रूप में पेट्रोल और डीजल के दाम 100 के पार हो गए, आज रसोई गैस 1000 के करीब पहुंच गई, इन दामों को कम किया जाए। भारतीय जनता पार्टी की 2014 में जब सरकार बनी तो इन्होंने पूरे देशवासियों में ऐलान किया कि हमारी सरकार केंद्र में बनाइए, हम हर वर्ष 2 करोड़ बेरोजगार नौजवानों को रोज़गार देंगे। लेकिन आज 6 वर्ष या 7 वर्ष हो गए सरकार को बने हुए, दूसरी बार सरकार बन गई लेकिन हिंदुस्तान का नौजवान अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है, बेरोजगार नौजवानों को नौकरियां नहीं मिल रही है। आज हमारी मातृशक्ति की जो रसोई है वो महंगी हो गई, आज खाने का तेल 200 रुपये किलो के बाद पहुँच गया, दाल शक्कर सब्जी हर तरफ जो है महंगाई चरम सीमा पर है। हम मांग करते हैं केंद्र सरकार से कि आप देशवासियों के हित में मध्यम और गरीब परिवार के हितों की रक्षा के लिए आज बढ़ती महंगाई पर विराम लगाइए। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब देश के प्रधानमंत्री थे 10 वर्ष तक, उनके कार्यकाल में जिस रूप में देश सुखी था, महंगाई कम थी, पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के दाम कम थे, नौजवानों को रोज़गार के अवसर बहुत अधिक मात्रा में थे, आर्थिक उदारीकरण का देश में दौर था, खुशहाली की और उन्नति की प्रगति की और हिंदुस्तान तेज गति से आगे बढ़ रहा था विकास में, लेकिन आज विकास की गति भी थमी है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर जन जागृति कायम करने के लिए हमने आज सभी कांग्रेस साथियों ने मिलकर आज बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात जो है ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को दी है। सर जानना चाहूँगा, दरअसल जैतारण इलाके में भी चूँकि बरसात भी कम हुई है, कहीं ज़्यादा हुई है, फसलों को सर्वाधिक नुकसान हुआ है और आप किसानों के नेता माने जाते हो, लेकिन अभी तक आपकी ओर से राज्य सरकार को क्या पत्र लिखा, क्या नहीं लिखा, क्या इस क्षेत्र के किसानों को राहत मिलनी चाहिए या उनके जो फसल खराब है उनको मुआवजा मिलना चाहिए या नहीं?
देखिए, इस बार औसत से कम बारिश होने से जैतारण विधानसभा ही नहीं पूरे मारवाड़ राजस्थान के किसानों को फसल खराबा के दौर से गुजरना पड़ रहा है। और हमने जैतारण विधानसभा क्षेत्र के किसानों का जो फसल खराबा हुआ है उनको मुआवजा दिलाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, हमारे कृषि मंत्री लालचंद कटारिया जी और राजस्व मंत्री हरीश चौधरी जी को व्यक्तिगत मिलके और पत्र के माध्यम से भी मैंने निवेदन किया कि किसानों को मुआवजा दिलाया जाए फसल खराबे का। और राज्य सरकार ने तत्काल जो है पूरे प्रदेश में गिरदावरियाँ करने का ऐलान किया। आज ही मैंने कृषि विभाग और राजस्व विभाग के अधिकारियों से चर्चा की और जैतारण विधानसभा क्षेत्र में फसल खराबे का संपूर्ण रिपोर्ट कार्ड बनाकर राज्य सरकार को विभाग द्वारा प्रेषित कर दिया गया है। और हम उम्मीद करते हैं कि जैतारण इलाके में करीब 60 से लेकर 80-90% तक किसानों की फसलें नष्ट हुई है और राज्य सरकार इनको उचित मुआवजा देगी और हम लगातार सरकार से इस बात की मांग भी कर रहे हैं। सर, एक आपने बात कही कि केंद्र सरकार बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे रही। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, आपके चुनावी घोषणा पत्र में आपकी कांग्रेस सरकार, आपकी पार्टी द्वारा भी राजस्थान के जो बेरोजगार है उनको रोजगार देने की दिशा में भी घोषणा की गई, उसका क्या हुआ? देखिए, हमारी कांग्रेस पार्टी ने चुनाव के दौरान जो मैनिफेस्टो घोषणा पत्र जारी किया और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उस मैनिफेस्टो को तत्काल चीफ सेक्रेटरी को प्रस्तुत करके एक सरकारी एजेंडा के रूप में काम करने का निर्देशित किया सभी विभागों को। और अभी हमारी केंद्र से भी टीम आई कांग्रेस पार्टी की और उन्होंने घोषणा पत्र का पूरा ब्यौरा लिया, तो करीब हमें खुशी है कि हमारी सरकार को करीब 3 वर्ष संपूर्ण होने के नज़दीक है और करीब 60-70% के करीब हमने घोषणा पत्रों में जो वादे किए उनको पूरा कर चुके हैं और बचे हुए जो बिंदु है उस पर भी सरकार लगातार जो है उस पर नज़र लगाए हुए हैं। मेरे साथ मौजूद रहेंगे श्रीमती भारती जी भाभी जो जैतारण नगर पालिका की पार्षद है। हालांकि जिम्मा आप देख रहे हैं, पूरे विधानसभा का आप देख रहे हैं, लेकिन मैं शहर की समस्या के बारे में जानना चाहूँगा। आपको क्या पता है इस शहर में क्या हो रहा है, क्या नहीं, आप कितना क्या वाच रखते हो जैतारण नगर पालिका क्षेत्र के लिए? जैतारण के लिए तो मैं नई नहीं हूँ, जैतारण मेरे लिए नहीं, नगर पालिका के लिए नहीं, आप तो सेवा भावी हो शुरू से ही हो। मैं वही बता रही हूँ, नगर पालिका की तो आप स्थिति देख रहे हो कितना काम चल रहा है जैतारण में, मैं क्या बताऊँ। जैतारण की हालत देखिए आप, वह खस्ता पड़ी है। इसके लिए जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार तो आपको पता है, जो बैठे हैं वो अभी जिम्मेदार है, कहीं कहीं साहब तो जिम्मेवार नहीं है। हम तो जिम्मेवार, हमारी सरकार कर रही है जितना ज्यादा करा जाए। अभी रोड वगैरह के ऑर्डर आए हैं, किससे आए? हमारी गवर्नमेंट से आए। और बाकी चेयरमैन साहब कर रहे हैं जो किसी को अभी पता ही नहीं है, हमें तो बुलाया नहीं जाता, उनके खुद का काम खुद के। भाभी जी, मैं एक बात कहना चाहूँगा, मैं लगभग 1 या 2 मीटिंगों मैंने भी भाग लिया, मैंने आपको नहीं देखा उस मीटिंगों में, आपको क्या पता? क्यों पता तो सब रहता है, क्या जरूरी नहीं है कि मैं मीटिंग में गई जब ही मुझे पता चलेगा। मीटिंग बिना भी मुझे सब पता है, और मीटिंग में कोई कारणवश मैं नहीं गई, कहीं मेरे फिर खुद के भी कोई पर्सनल वो हैं, क्योंकि मैं लेडीज़ हूँ तो लेडीज़ों पे सब तरह का दायित्व रहता है, घर का, बाहर का, हर चीज़ का। पूरा जैतारण विधानसभा भी देखना पड़ता है, साहब के सेवा में जो जितने भी कार्यकर्ता है उनकी भी सेवा आप करते हो। मेरे साथ मौजूद रहेंगे भाई श्याम जी ठकराल, इनसे भी जानना चाहूँगा क्या हालात है इस जैतारण शहर के, चूँकि केंद्र सरकार की महंगाई के बारे में आदरणीय चौधरी साहब ने ज्ञापन दे दिया, शहर के बारे में जानना। आज का देखो साहब, आज का जो धरना प्रदर्शन है हमारा वो महंगाई के खिलाफ है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब से देश आज़ाद हुआ है और ये भारतीय जनता पार्टी वाले कह रहे हैं कि 70 सालों में कांग्रेस ने क्या क्या, 70 साल में 2 रुपये लीटर था जब देश आज़ाद हुआ था पेट्रोल डीजल, और 70 साल में वो 50-45 रुपये तक पहुंचा। और आज 7.5 साल से केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, 7.5 साल में यानी कि 70 सालों में 50 रुपये तक पेट्रोल डीजल गया है, और 7.5 साल में पेट्रोल डीजल 110 रुपये तक पहुँच गए। आप एक जनरल नॉलेज की बात है कि 70 रुपये, ये जो खाने का तेल होता है मूंगफली का तेल, मूंगफली का तेल और सोयाबीन के तेल में कम से कम एक डब्बे के पीछे 500 रुपये रेट का, 600 रुपये रेट का फर्क होता था कोई ज़माने में। आज वो फॉर्चून का तेल वो अडानी ग्रुप का है, इसलिए मूंगफली का तेल और फॉर्चून तेल का रेट बराबर लगभग हो चुका, 100 रुपये के सिर्फ डब्बे के पीछे फर्क है। देश बिखरा है, देश के प्लेटफॉर्म बेच दिए, देश के हवाई जहाज बेच दिए, देश का रेलवे बेच दिया। मैं जैतारण की बात कर रहा हूँ, जैतारण में काम हुआ है पिछली हमारी जो कांग्रेस की सरकार थी। वर्तमान की बात कर रहा हूँ, वर्तमान में जो अभी देख लो कचरे के ढेर लगे हुए हैं,
हम रिक्वेस्ट करते हैं, मेहरबानी निवेदन करते हैं चेयरमैन साहब से, चेयरमैन साहब आप काम कराइए, हमारे 10 टेम्पू खराब पड़े जेतन बाईपास पे जिसकी बैटरियाँ चोरी हो रही है, जुजुंडा रोड पे पानी भरा जा रहा है, जो हमें कोस रहे थे कांग्रेस के जमाने में कि आपके जुजुंडा रोड पे पानी भर जाता है, फिर ये बीजेपी का बोर्ड बन गया, बीजेपी के हमारे एमएलए साहब है, आपको 6 महीने में डिसीजन ले नहीं ले सके उस रोड का, और आप हमें दोष दे रहे थे कि वो जो जेतान के जगह जगह आपने क्या किया 6 महीने में, आप 6 महीने में सिर्फ कांग्रेस के पिछले काल की छोटी मोटी जो कमियां रह गई थी उसको कोसने में लगा दिए। सिवरेज सिवरेज, अरे सिवरेज बना किस कार्यकाल में, कांग्रेस की सरकार ने इसको हमारे दिलीप जननायक दिलीप जी चौधरी ने उसको आवंटित करवाया जेतान के लिए, और फिर ये जब शुरू हुआ था तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और आनंद फानन में इस सिवरेज का उद्घाटन कर दिया था, और गुणवत्ता भी अच्छी नहीं थी उसकी, तो गुणवत्ता अच्छी नहीं थी तो जांच करानी थी भारतीय जनता पार्टी का, राजस्थान राजस्थान सरकार में वसुंधरा जी सीएम थे और यहाँ पे हमारे स्थानीय एमएलए भी मंत्री थे, उनसे जांच करवानी थी और समय से पहले उसका उद्घाटन कर दिया, जिसके उपलक्ष में हमारे मंजू जी साहिबा ने, ये जो चेयरमैन थे, उन्होंने सद्बुद्धि का जाप किया था कि यार काम अधूरा पड़ा है, अभी सीवरेज का आप उसका उद्घाटन क्यों कर रहे हो, समय से पहले उद्घाटन कर दिया, ठेकेदारों को पैसे दे दिए, 2.5 साल बीजेपी का शासन था राजस्थान में, उससे पहले तो ये बंदरबाड़ करके लूट के चले गए, उसके बाद 2 साल खुल के हमके हमारे चेयरमैन साहब को मौका मिला है, चेयरमैन साहब का वार्ड है, वार्ड नंबर 3 था पहले, अब 4 हो गया, 53 लाख की सड़क बनी, 53 लाख की क्या सड़कें कर दी, सड़कों का जाल कर दिया उधर, जो हमारे हमारा जो माड़ियों का वार्ड होता है, मैं भी माड़ी हूँ जात का, वहाँ एक अपन जाति विशेष बनी है, मैं जाति विशेष की बात कर रहा हूँ ना, कि हमारा वार्ड है माड़ियों का, वहाँ एक भी रोड सही नहीं थी, पूरे रोडों का जाल बिछा दिया वहाँ पर, उपलब्धि है कांग्रेस की, आप कुछ भी नहीं कर रहे, पहले हमारे 3 चेयरमैन थे जो भारतीय जनता पार्टी के, तो तीनों उसी वार्ड से चुन के आते थे। खैर श्याम जी, अपनी ये चर्चा जब कभी राजनीतिक दौर में होगी होती रहेगी, बहरहाल बताना चाहूंगा कि मैं इस समय जतन उपमंडल कार्यालय के सामने मौजूद हूँ श्री दिलीप जी चौधरी की अगुवाई में, केंद्र सरकार द्वारा जो देश भर में जो महंगाई की उस पर नियंत्रण पाने के लिए आज चौधरी जी की अगुवाई में ज्ञापन दिया गया। मैं हबीब खान, कैमरा मैन मनीष चौहान के साथ जेता न्यूज के लिए, आप बने रहे जेता न्यूज के साथ, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।